मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं आपको, दो रोटी कम खाना साहब, पर पिता के टुकड़ों पर भी मत पलना, सेल्फ डिपेंड बनना। पिता को कमाकर दिखाओ, तब पिता गर्व करेंगे कि मेरा बेटा सफल। जो पिता से मांगता रहे, पिताजी ये दे दो, पिताजी वो, ये तुम भिखमंगों की जरूरत नहीं। पापा मोबाइल दिला दो, पापा मोबाइल, पापा गाड़ी दिला दो। गाड़ी में बैठने का शौक है तो अपने से खरीद लो ना। मैंने गाड़ी पिता से नहीं मांगी कभी, जो गाड़ी चाहिए वो अपने बल से खरीदना पड़ता है। हमें गाड़ी में बैठना है तो, हमारे घर में टीवी नहीं थी। 2009 में पहली बार जब मैं कुछ कमाने लगा तो कमा के अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर पहली बार फिर मैं जो कमाया तो उसमें फिर हमने अपने घर में टीवी लगवाई 2009 में। हमारे घर में पहली बार टीवी कब आई? 2009। आज 2000 क्या चल रहा, 23-24 आने वाला। 2009 में पहली बार हमारे घर में, हमारे गांव में टीवी थी, हम लोग दूसरों के घर में टीवियां देखने जाते थे। पहली बार 9 में टीवी आई, कभी शिकायत नहीं, लेकिन जो किया ना वो किसी के भरोसे नहीं किया। हम आपसे कहते हैं थोड़ा दिन और गरीब रह लेना चलेगा, पर अपने बच्चों को मजबूत बनाना। आप अपने बच्चों को पैसा देंगे, मेरा पिता भी, मैं अपनी बात भी करता हूं, मेरे पिता ने भी मुझे पैसे दे दिए होते तो मैं अनिरुद्धाचार ना बनता, आपके बीच में ना होता, मैं भी पिता के टुकड़ों पर पल रहा होता औरों की तरह कि पिता तो है। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं तब आप और कम समय में स्ट्रांग होते हैं। जिस समय में लड़के मस्ती करते हैं उस समय में तो हम कमाने लगे थे, परिवार की जिम्मेदारियां थी। बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। घर की रोटी ऐसी थी कि सुबह बन जाए तो शाम का भोजन नहीं था, तो फिर कमाना था तो खाना था, नहीं कमाओ तो मत खाओ। बच्चों के सामने देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब, उस पैसे का सारी जिंदगी क्या आप सदुपयोग कर पाएंगे? क्या इतनी बुद्धि है? आज कितने औलादें ऐसी हैं जो पिता का खेत बेच बेच के गाड़ियां खरीद लेते हैं, पिता का संपत्ति बेच बेच के आज गाड़ी खरीद ली, बंगला बना लिया। खुद से क्या किया आपने? मैं सवाल आपसे करूं, आपके पास जो है वो आपका है कि आपके बाप का है? तो आपके बाप का है तो सवाल आपसे कि आपका क्या है, आपने क्या बनाया? पिता का तो ऑलरेडी है आपके पास, वो जाएगा कहां, पर आपका क्या है? यदि आपका नाम पिता के नाम से चलता है तब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। जीवन में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ ऐसा कर जाओ कि पिता से आपकी पहचान ना हो बल्कि आपके नाम से आपका पिता का सम्मान समाज में हो कि भाई ये फलाने के पिता हैं। क्यों जी, पिता के नाम से आपको जाना गया तो आपका क्या है इसमें? वो तो पिता का ही है ना, आपका क्या है? आपका भी तो कुछ नाम हो, आपकी भी तो अलग से पहचान हो, आपकी पहचान से आपके पिता को जाना जाए ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी सफलता है। पिता से आपको जाना जाए वो, या आपसे पिता को जाना जाए वो, क्या सफलता? सफलता का क्या प्रमाण है कि पिता से आप जाने जाए कि आपसे पिता जाने जाए? फिर तो आप योग्य बनिएगा। पिता की संपत्ति मत लीजिए, पिता से पढ़ लिख जाइए, पिता के पैसों से पढ़ लिख जाइए, योग्य बन जाइए, गाड़ी घोड़ा बंगला बंगला के चक्कर में ना पड़ो, मेहनत करो, कमाओ। ये गाड़ी घोड़ा बंगला तो पीछे पीछे चलेंगे, कितने चाहिए? अपने आप को इतना लायक बनाओ। आजकल के लड़के ना प्यार व्यार कर लेते हैं, प्यार प्यार, लड़की से प्यार हो गया। कुछ लोग तो कहते हैं हमारा जी, हमारी तो शादी नहीं हो रही है, बताओ हमारी शादी कब होगी? ये कौन लोग हैं? अरे साहब, तुम योग्य तो बनो, तुम काबिल तो बनो। अरे काबिल जिस दिन बन जाओगे, लड़कियों की लाइन लग जाएगी, कर लेना जिससे मन पड़े शादी। लड़की का बाप भी काबिल को ना देगा लड़की, तुम में कोई हुनर नहीं है, गुण नहीं है, कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें क्यों देगा?
क्यों जी? तुम सिद्ध करो, साबित करो अपने आप को, हाँ आप कुछ हैं, करके दिखाओ अच्छा काम। क्या आपका नाम है, क्या आपका स्टेटस है, क्या आपकी इज्जत है समाज में, कौन क्या है आप? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य नहीं होता, क्यों जी? पिता के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चों का कोई मूल्य होता है? मेरा सिद्धांत अलग है, मैंने जो जिया, जो मैंने जिया, जो मैंने महसूस किया वो मैंने कहा, ये मेरा अनुभव है। मैं उन लोगों को खूब जानता हूं जो अपने बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। ना, पिता की सेवा करो, पिता के चरण दबाओ, पिता के चरण धोकर पियो, परंतु पिता के आश्रित ना रहो। पिता की संपत्ति है, हाथ जोड़ लो पिताजी से, पिताजी जो संपत्ति आपने कमाई आप दान पुण्य कर दीजिए, मुझ में काबिलियत होगी, मैं आपसे ज्यादा कमा लूंगा। है इतनी हिम्मत कहने की अपने बाप से? आजकल की औलादें तो बाप का मर्डर कर देती हैं, आजकल की कुछ औलादें तो बाप को मार डालती हैं, ताने मार, मतलब बहुत प्रताड़ित करते हैं कि तुम हमें ये प्रॉपर्टी दो, ये बैल, तुम्हारे को जन्म दे दिया इतना बहुत है, अब अपने कमा के खा क्यों नहीं लेते? संस्कार का मतलब समझ जाते ना तो आज आश्रित ना होते। बताइए, जो मैं कह रहा हूं कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? पिता के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सही है। और एक बात और बता दें आखिरी में, नौकरी लेने वाले मत बनो। हमारा देश परेशान है महाराज जी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी, नौकरी क्यों करना है भाई, नौकरी लेना क्यों है? नौकरी लेने वाले बनोगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा? देने वाले बनो, नौकर क्यों बनना है, मालिक बनो। नौकरी लेने वाला नौकर होता है और नौकरी देने वाला, जोर से बोलो, नौकरी लेने वाला कौन, जोर से, नौकरी लेने वाला कौन, नौकर, और देने वाला मालिक। आपको क्या बनना है तो नौकरी क्यों मांग रहे हो? फिर नौकरी दो, इतना योग्य बनो, इतना योग्य बनो कि आप लेने वाले की लाइन में नहीं देने वालों की लाइन में खड़े। भाई साहब लो, ये 10 लोगों को नौकरी देना है मुझे, आओ जरा इंटरव्यू दो, हमें काबिल हो तो सिद्ध करके दिखाओ भैया, इंटरव्यू दो, हमें इंजीनियर की जरूरत है, हमें आर्किटेक्ट की जरूरत है, हमें फला की जरूरत है, फला लो, करवाओ काम, बनो योग। सब नौकर बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा? कैसे देश का विकास होगा? देश का विकास नौकरों से नहीं, मालिकों से होगा, इसलिए मालिक बनने की सोच रखो। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी सब लोग नौकरी देने वाले बनेंगे तो लेंगे कौन? अरे तुम देने वाले बनो तो सही, इंग्लैंड से आएंगे ना वो अंग्रेज जो लूट के लेगा, वो नौकरी तुमसे करेंगे तुम्हारे यहां? क्या तुम नहीं जा रहे हो इंग्लैंड करने नौकरी, अमेरिका तुम नहीं जा रहे हो नौकरी करने? वहां क्या कर रहे हैं? बहुत सारे भारतीय बोलते हैं हम तो इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो अमेरिका में रहते हैं, वहां करते क्या? बहुत सारे तो होटलों में बर्तन धुल रहे हैं, हाँ या ना? तो तुम क्यों धुलो बर्तन किसी के? तुम्हारे यहां धुलने आए ना वो बर्तन, तुम बनाओ ना अपने आप को योग्य, दुनिया तुम्हारे बर्तन धुले, तुम क्यों किसी को धुलो, हाँ या ना? विश्व गुरु थे, विश्व गुरु टाइप का सोचो, मूर्खों टाइप का ना सोचो, योग बनो साहब, योग। नौकरी लेने वाले लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, देने वाले भावना रखो। तो आज से कितने लोग नौकरी देने का भाव रखेंगे? दोगे? हमारी माताएं, आप लोग भी कुछ किया करो, मेरी माँ, आप लोग भी बिजनेस कर सकती हो, व्यापार कर सकती हो, घर के उद्योग, घर लघु उद्योग घर से स्टार्ट कर सकती हो, घर के बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग चलाओ तो सब होता है, नहीं चलाओ तो पड़े रहो, खटिया तोड़ते रहो। अभी आ रहा क्रिकेट 2020 आ रहा, सारे नौजवान 2020 देखेंगे, क्रिकेट छक्का चौवा। इन मूर्खों से पूछो कि तुम्हारा एक क्रिकेट देखने से क्या फायदा हो रहा है, ये 2020 देखने से क्या फायदा है? अरे अमेरिका, अन्य इंग्लैंड भारत का मैच हो तो चलो देखा भी जाए, फला देश का फला देश से मैच हो तो चलो देखा भी जाए, हमारे देश का मैच किसी देश से हो तो देखा भी जाए, लेकिन हम आपस में ही लड़के 2020 में देखने से क्या लाभ है? सिर्फ आपका समय वेस्ट है, उनका तो करोड़ों का काम हो रहा है,
लेकिन आपका समय 5 घंटे का टाइम जा रहा है आपका। जिन गर्मियों में आप अपने बारे में कुछ सोच सकते थे, पढ़ने के बाद कुछ अपने विचार कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, बिजनेस की, व्यापार की, वो समय आप क्रिकेट देखने में 2 महीने गवा देंगे। क्या मिलेगा आपको? वो लोग समझदार नहीं हैं जो औरों को देखें। आप ऐसे बन के दिखाओ कि दुनिया आपको देखे।